पंछी। हर क्रिसमस पर सभी परिवारों के घर में उनके टेबल स्वादिष्ट खाने से भरे हुए होते थे और सड़कों पर खुशहाल बच्चे हाथ में सुंदर तोहफे लिए घूम रहे होते थे, लेकिन चिलचिल और मिचल उदास थे और वो बस दूर से ही देख सकते थे। हाँ, उस 3 मंजिल वाले सुंदर से केक को देखो, तुमने कभी इतनी आइसिंग देखी है? केक को छोड़ो, मेरी इच्छा है कि मैं वो शानदार गुलाबी ड्रेस पहनूं, कितनी सुंदर है। हर क्रिसमस पर उन्हें दूसरों को देखकर जलन होती थी, क्योंकि उनके पिता एक गरीब सुतार थे और वो उन्हें महंगे तोहफे नहीं दिला सकते थे। जब वो लंबे समय तक खिड़की के बाहर चमकती लाइट्स और खुश परिवारों को देख रहे थे, तब उन्हें सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज सुनाई दी। मम्मी आ रही होगी, जल्दी से लाइट बंद कर दो। जब उन्होंने देखने के लिए अपनी आंखें थोड़ी सी खोली तो वो डर के मारे चिल्ला पड़े। उन्होंने देखा कि जो दरवाजे से आई थी वो उनकी माँ नहीं, बल्कि एक डरावनी सी चुड़ैल थी। हमारी मम्मी कहाँ है? डरो मत बच्चों, मैं तुम्हें चोट पहुँचाने नहीं आई हूँ। तो फिर क्यों आई हो? मैं तो एक एहसान मांगने आई हूँ। मेरी बेटी बहुत बीमार है और सिर्फ वो रहस्यमय नीला पंछी ही उसे ठीक कर सकता है। तुम्हें मेरे लिए उसे ढूंढना होगा। हमारे पास एक पीला पंछी है, शायद इससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। नहीं, वो नीला पंछी ही होना चाहिए। पर क्यों? मुझे सिर्फ उस खुशी के नीले पंछी की तलाश है, कोई और पंछी नहीं चलेगा। खुशी का पंछी? हाँ, वो नीला पंछी सबको खुशियाँ देता है। क्या वो सच में किसी को भी खुश कर सकता है? हमारे जैसे गरीब बच्चों को भी? हाँ बेशक, वही तो उसका काम है। ये लो मेरी जादू की टोपी, इसकी शक्तियों से उस नीले पंछी को ढूंढो। लेकिन कैसे? ये टोपी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। गुड लक। जैसे ही उन्होंने उस टोपी को छुआ, उनके आसपास की दुनिया अंधेरे में बदल गई। दिल, तुम यहाँ हो? मुझे डर लग रहा है। सब ठीक है, मैं यहाँ हूँ ना, मेरा हाथ पकड़ो। उसी वक्त रात की रानी अंधेरे से बाहर आई, चमकते हुए कपड़े पहने हुए। उसकी शैतानी हंसी हर जगह सुनाई दे रही थी। क्या तुम मेरे अंधेरी दुनिया में उस नीले पंछी को चुराने आए हो? तुम्हारी साहस की दाद देती हूँ, लेकिन 2 बच्चे कैसे कामयाब होंगे जबकि अनगिनत शहजादे नाकामयाब रहे हैं? असली नीला पंछी हजारों महरूपियों के बीच में छुपा है, उसे अपना बनाओ अगर बना सको तो। देखो वो रहा नीला पंछी। नहीं रुको, ये असली नहीं है। उन सारे नीले पंछियों को देखकर मिचल और टिटल को एहसास हुआ कि वो सब तो एक जैसे ही दिख रहे थे और कोई रास्ता नहीं था जानने का कि उनमें से असली कौन था। बहुत लोगों ने कोशिश की है उस नीले पंछी को ढूंढने की। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खोज में गवा दी, जब तक कि वो बुढ़ापे से मर नहीं गए, और तुम्हारा भी वही हाल होगा। उस रात की रानी ने उनके सामने एक बड़ा सा आईना पेश किया। आईने में देखो, अभी फैसला कर लो, या फिर खुद को बूढ़ा होकर मरते हुए देखो। यह हमें क्या हो गया है? हमारे बाल सफेद कैसे हो गए? नहीं, अब हमारा क्या होगा? उन दोनों बच्चों ने खुद को आईने में बूढ़ा देखा। हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। तुमने सही कहा। नहीं, भागने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी डरपोको? तुम मेरी अगली बलि बनने वाले हो, रुको। जैसे ही वो बच्चे उस अंधेरी दुनिया से निकले, वो पहुंच गए यादों की दुनिया में। उन्होंने एक पुराना सोफा देखा जिस पर 2 बूढ़े लोग आराम कर रहे थे। अब हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? क्या हम भविष्य में हैं? क्या वो दोनों हम हैं?
क्या हम बूढ़े होकर मर चुके हैं? नहीं, मैं ऐसे नहीं मरना चाहती। मैंने तो अभी तक वो सुंदर ड्रेस भी नहीं पहनी है। मुझे भी वो केक खाने से पहले नहीं मरना है। वो बच्चे जोर से रोने लगे, ये सोचे बिना कि वो दोनों यादों की दुनिया में हैं। उनके रोने की आवाज उस बूढ़ी जोड़ी तक पहुंची। क्या आज सोमवार है? मुझे बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। वो बच्चा नहीं हो सकता, वो जरूर मुर्गा होगा। नहीं नहीं, ध्यान से सुनो, क्या वो तुम्हें आवाज मुर्गे जैसी सुनाई दे रही है? तुमने सही कहा, मुझे लगता है ये हमारे पोते हैं। जैसा मैंने कहा था। ये तो दादी और दादा है। क्या तुम्हें लगता है कि ये हमारे पोता पोती है? जरा ध्यान से देखो तो। हाँ, ये तो वही है। बच्चे अपने दादा दादी से मिलकर बहुत खुश थे। दादा दादी ने उनके लिए एक स्वादिष्ट केक बनाया और मिचल और चिचल ने उन्हें नीले पंछी के बारे में बताया। तो ऐसे हमने उस नीले पंछी को ढूंढना शुरू किया। क्या तुम्हारा मतलब उस नीले पंछी से है? हाँ। बच्चों ने अपनी दादी के इशारे की ओर देखा और वहाँ था वो नीला पंछी। हो रहा क्या? कहाँ? वहाँ है, चलो पकड़ते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। रुको बच्चों, थोड़ी देर और रुक जाओ। क्या तुम्हें और केक नहीं चाहिए? बच्चे अलविदा कहे बिना ही जाने लगे। ये देख दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। रोने जैसी कोई बात नहीं, बच्चे हमेशा किसी न किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं। उनके पास हमारे जैसे बूढ़ों के लिए वक्त नहीं है। दादा और दादी ने एक दूसरे को गले लगाया और दोनों गायब हो गए। टिलटिल और मिटिल नीले पंछी के पीछे भागे और जैसे ही वो उसे पकड़ने वाले थे, वो गायब हो गया, बिल्कुल उनके दादा दादी की तरह। कहाँ गया वो पंछी? ये क्या हुआ? उन्हें पता चला कि वो पंछी उनके दादा दादी की खुशी के साथ ही गायब हो गया। उसके बाद वो दो बच्चे खुशी की दुनिया में जा पहुँचे, ये सोचते हुए कि उन्हें वो नीला पंछी वहाँ मिलेगा। वहाँ वो दोनों एक पेटू आदमी और एक लालची औरत से मिले। मैं दुनिया का सबसे खुश आदमी हूँ, क्योंकि मुझे जो खाना चाहिए मैं खा सकता हूँ। खाना किसे चाहिए जबकि तुम्हारे पास इतने सारे कीमती जवाहरात हैं? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? खाने से बेहतर कुछ नहीं होता। पैसे और जवाहरात खाने से बढ़कर नहीं है। वो दोनों इतने खुश नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर भी उन बच्चों ने उन्हें उस नीले पंछी के बारे में पूछा। क्या आपने वो नीला पंछी कहीं देखा है? कैसा नीला पंछी? मुझे दिखाओ, मैं अच्छे से सॉस में भून दूंगा। मेरे लिए वो पंख छोड़ देना, मुझे मेरी नई हैट के लिए नीला रंग चाहिए। उस खुशी के नीले पंछी के होते हुए आप किसी और चीज को कैसे देख सकते हो? नीला पंछी? मुझे तो बस खाते रहना है जब तक मैं फट नहीं जाता। उसके लिए मुझे तुम्हारे नीले पंछी की जरूरत नहीं है। मेरे पास उस बेकार पंछी के लिए वक्त नहीं है। मुझे और जवाहरात ढूंढने हैं और कपड़े भी, ताकि मैं खुद को सुंदर और जवान रख सकूं। तुम्हें क्या लगता है, मुझ पर रूबी अच्छे लगेंगे या एमराल्ड्स? मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता, पर मुझे यकीन है कि वो नीला पंछी यहीं कहीं है मिटिल। लेकिन क्या ये खुशी की दुनिया नहीं है? ये नीले पंछी का घर होना चाहिए। खुशी तो तुम कहोगी बेटा, ये तो दुख की दुनिया है। क्या? वो देखो, उस पर दुख की दुनिया लिखा था, लेकिन हमने बदल दिया। क्या? उस लालची औरत के शब्दों से दुखी होकर उन बच्चों ने उस चुड़ैल की टोपी का इस्तेमाल किया। इस बार वो दोनों वहीं जा पहुँचे जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी, घर पर। क्या ये हमारा कमरा नहीं है? लगता है हमें घर भेज दिया गया है बिना उस नीले पंछी को ढूंढे।
उस चुड़ैल के वापस आने पर हम उसे क्या कहेंगे? ओ नहीं, अगर उसने मुझे मेंढक में बदल दिया तो मुझे चिपचिपा मेंढक नहीं बनना। अगर हम अपने पीले पंछी को रंग दे तो क्या तुम्हें लगता है ये काम करेगा? वो बच्चे उस पिंजरे तक गए और ये देखकर चौंक गए कि वो पंछी पीला नहीं था बल्कि नीला था। नीला पंछी यहाँ है। अचानक वो चुड़ैल सामने आ गई। बोलो बच्चों, क्या तुमने मेरे लिए नीले पंछी को पकड़ा? सच कहूँ तो हम उसे ढूंढ नहीं पाए, वो बस हमारे घर पर ही रुका था। इससे आप अपनी बेटी की बीमारी को ठीक कर दीजिए। क्या तुम सच में मुझे ये दे रहे हो? ये तुम्हें खुश कर सकता है। लेकिन हम पहले से ही खुश हैं। सही कहा मिटल। मैं तुम दोनों की शुक्रगुजार हूँ। तुम्हें पता चल गया है कि असली खुशी सिर्फ प्यार, समझ और स्वीकारने से ही मिलती है। अब तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे बच्चों। ये कहकर चुड़ैल गायब हो गई। जब टिलटिल और मिटल अगली सुबह उठे तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि वो पीला पंछी अपने पिंजरे में वापस आ गया था। फिर टिलटिल और मिटल को पता चला कि वो सब एक सपना था। उन्हें उस चुड़ैल के शब्द याद आए और उनके पीले पंछी की आवाज़ सुनते हुए उन्हें एहसास हुआ कि वो सच में कितने खुश थे।